बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की गीता पाठशाला गौड़ा के तत्वाधान व विष्णुपुर शिवाला के परिसर में मानव कल्याण से संबंधित आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसारिक बंधनों से मुक्त होने एवं परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानने तथा ईश्वरीय सर्वोत्तम सत्ता की स्थापना संबंधित आध्यात्मिक चर्चा की गई। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बरौनी सेवा केंद्र की संचालिका वी के स्वीटी बहन ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था 140 देश में 8000 से अधिक सेवा केंद्रों के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के महत्व माध्यम से संपूर्ण मानवता के दिव्यीकरण का कार्य कर रही है। मानव जाति धर्म ग्लानिक और महाविनाश की ओर पल पल अग्रसर हो रही है। स्वयं निराकार परमात्मा साकार मानवीय माध्यम के उत्थान आदि सनातन संस्कृति का उत्थान कर रही है। बीके पूजा बहन ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन में ज्ञान का बोध होना आवश्यक है, तभी मनुष्य जीवन में श्रेष्ठ कर्म कर सकता है। हमें पुनः अध्यात्म की ओर लौटना होगा, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। संरक्षित डॉक्टर शंभू पोद्दार ने कहा कि युग परिवर्तन की यात्रा का प्रारंभ हो चुका है, हमें सभी को इस अभियान से जुड़कर आत्म कल्याण के पथ पर चलना चाहिए। गीता पाठशाला की संचालिका सुनीता बहन ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ने के बाद जीवन के यथार्थ उद्देश्य का बोध होता है। मौके पर स्वच्छता कार्य में लगे स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राम माता के द्वारा किया गया। मौके पर पानी की राम नारायण मीरा देवी के लाल भारी भाई बहने क्या लिखा हुआ गीता में सहज राज भगवान स्वयं ने आकर के उन बच्चों को सिखाया है। ये राजयोग ऐसा योग है जिस योग को सीख कर हम भारतवासी राजाओं का क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। इस राजयोग को सिखलाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा श्री बाबा। लेकिन लोगों में राजयोग के जगह आज कई प्रकार के हठयोग प्राण